नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस टॉक शो उमंग तरंग में। और आज एक फिर नए विषय के साथ हम चर्चा के लिए तैयार हैं। कई बार दोस्तों देखने में आता है कि हम दूसरों के गुण और दोष तो बहुत अच्छे से और आसानी से देख पाते हैं, लेकिन जब खुद की बात आती है तो स्वयं के गुण क्या हैं और स्वयं के दोष क्या हैं ये हमें समझ में नहीं आता, ये हम जान नहीं पाते हैं। उसका एक कारण है स्वजागरूकता की कमी, और इसी स्वजागरूकता की कमी के कारण हम बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आज के इस टॉक शो में हमारे साथ बात होगी हमारे विशेषज्ञ से स्वजागरूकता एवं गुणों के विकास पर। हमारी विशेषज्ञ हमसे इस बात पर चर्चा करेंगी कि कैसे हम स्वजागरूक हों और अपने गुणों के विकास की तरफ ध्यान दें। साथ ही साथ वो हमारे बहुत सारे छात्रों के सवालों का जवाब भी देंगी। तो आइए हम मिलते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर सुधा मिश्रा से। डॉक्टर सुधा मिश्रा बहुत सालों से शिक्षा और सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई रही हैं, बहुत ही अनुभवी विषयविद हैं। इसी वजह से स्कूली शिक्षा में उनकी बहुत रुचि रही है, और इसी गहरी रुचि के कारण उनकी विशेषज्ञता है स्कूली पाठ्यक्रमों को बनाने में, पॉलिसी निर्माण करने में, शिक्षकों को ट्रेनिंग देने में। इस तरह के उनके बहुत सारे आयाम हैं। डॉक्टर सुधा ने इस गहरी रुचि के कारण इस विषय में अपनी विशेषज्ञता हासिल की है। तो डॉक्टर सुधा मिश्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस टॉक शो में। स्वजागरूकता WHO द्वारा चिन्हित किए गए 10 जीवन कौशलों में से एक है। इसका प्रभाव हमारे निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ता है, पर हम में से बहुत सारे लोग इस बात से वाकिफ ही नहीं होते हैं कि स्वजागरूकता आखिर है क्या। इसी बात को समझने के लिए हम आज इस विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले हम जानते हैं डॉक्टर सुधा मिश्रा से कि आखिर ये है क्या, स्वजागरूकता किस तरह से हमें प्रभावित करती है। तो डॉक्टर सुधा मिश्रा, आपसे मेरा पहला सवाल है कि स्वजागरूकता के विस्तृत आयाम क्या क्या हैं? स्वजागरूकता दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व और जागरूकता। स्व यानी स्वयं, जागरूकता मतलब जानना, यानी कि अपने आप को जानना, अपनी पहचान को समझना। अपनी पहचान जैसे कि आपका क्या नाम है, क्या लिंग है, क्या रंग है, रूप है, नाक, नक्श, शारीरिक बनावट जैसे, जो हम काफ़ी चीज़ें इसमें से ऐसी हैं जो हम शीशे में भी देख सकते हैं, यानी कि हम जैसे दिखाई देते हैं वो मेरी पहचान है, उसको जानना। इसके साथ ही कुछ मेरे आंतरिक गुण हैं, तो अपने आंतरिक गुणों को पहचानना, अपनी क्षमताओं को समझना, अपने स्वभाव को समझना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम कह सकते हैं कि अपने आप को आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से समझना। यानी स्वजागरूकता का मतलब है कि अपने गुणों को, स्वभाव को, अपनी क्षमताओं को जानना और समझना। हम सबसे ये कहा जाता है कि हमें दूसरों को समझना चाहिए, जो कि बहुत हद तक सही भी है, लेकिन हमें कभी ये नहीं सिखाया जाता कि हमें खुद का आकलन भी करना चाहिए, हमें खुद का मूल्य समझना चाहिए। जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे हम जीवन में बेहतर निर्णय नहीं ले सकते। डॉक्टर सुधा मिश्रा ने अभी बताया कि स्वजागरूकता के आयाम क्या हैं या स्वजागरूकता क्या है। निश्चित तौर पर इससे हमें अपने जीवन को समझने में या अपने आप को समझने में मदद मिलेगी, लेकिन इस विषय में बहुत सारे शिक्षकों के भी सवाल होते हैं। तो आइए हम इसी तरह का एक, इसी विषय से जुड़ा हुआ एक सवाल किसी शिक्षक से लेते हैं। मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ। कक्षा में कुछ बच्चे बहुत अच्छे से प्रश्न पूछ लेते हैं, पर कुछ बच्चे प्रश्न पूछते नहीं। उनको और प्रोत्साहित करने के लिए और क्या प्रयास करें? प्रश्न पूछना शिक्षण प्रक्रिया का, सीखने सिखाने का एक बहुत अहम हिस्सा होता है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे उस प्रक्रिया का हिस्सा बने और सभी बच्चे प्रश्न पूछें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी गतिविधियों को कैसे आयोजित करें। जैसे कि जब हम भी कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं तो हम ऐसे अवसर दें कि हर बच्चे को प्रश्न पूछना ज़रूरी हो जाए। ये देखा जाता है अक्सर ही कि बहुत सी बड़ी बड़ी बातें जो गतिविधियों के माध्यम से या खेलों के माध्यम से बच्चों को सिखाई जा सकती हैं वो डांट कर या डपट कर नहीं सिखाई जा सकती। तो हमें ज़रूरत है कि इस तरह की गतिविधियों या खेलों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, जैसा कि सुधा जी ने भी बताया है अभी। तो सुधा जी अभी बात कर रही थी कि स्वजागरूकता में किस तरह से गुणों पर और क्षमताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो सुधा जी से अब मेरा सवाल है कि आखिर किन गुणों और क्षमताओं के विषय में बात कर रही थी, आप कृपया इसको विस्तार से समझाएं। गुण और क्षमता दोनों हमारे अंदर समाहित होते हैं, इनको हम शीशे में नहीं देख सकते। ये कैसे झलकती हैं? ये हमारे व्यवहार से झलकती हैं, हमारे चरित्र से बताती हैं, हमारे स्वभावगत होती हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि ईमानदारी, तो ये मेरे चरित्र का गुण है, लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि तैरना, तो
तो तैरना क्या है, ये एक क्षमता है जिसको कि मैं अर्जित कर सकती हूँ, मैं सीख सकती हूँ, जिसको कि मैं एक बिल्कुल सही तरीके से करता हूँ कि आज मैं कम कुशल तैराक हूँ, कल को मैं ज़्यादा कुशल तैराक होंगी। तो हमेशा जो क्षमताएं होंगी वो अर्जित की जा सकती हैं, उनको सीखा जा सकता है, उनको बढ़ाया जा सकता है, उनके बारे में हम योजनाबद्ध तरीके से आगे काम कर सकते हैं। और गुण जो होंगे वो हमारे स्वभाव में होंगे, हमारे चरित्र में होंगे, जो हमारे व्यवहार में दिखेंगे। जी बिल्कुल, गुणों और क्षमताओं को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके सही समायोजन से ही हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बच्चे को ये बताना पड़ेगा कि उसके गुण क्या हैं और उसकी क्षमताएं क्या हैं और वो कैसे इन दोनों में अंतर करें। अब चूंकि बात बच्चों की आ ही गई है तो हम देखते हैं, हमारे पास एक बच्चे का सवाल है। छिंदवाड़ा से अभिनव शुक्ला सवाल पूछ रहे हैं। मेरा आपसे प्रश्न है कि जब मैं अकेले काम करता हूँ तब मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, पर जब मुझे टीम के साथ वर्क करने के लिए कहा जाता है तो मुझे थोड़ी घबराहट होती है, तो मैं इस प्रॉब्लम को किस प्रकार लीड करूं? टीम में काम करने में घबराहट होना दोनों स्थितियों में होता है। अगर मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास है और मैं ये मानती हूँ कि इस काम को जितने अच्छी तरीके से मैं कर सकती हूँ उतनी अच्छी तरह से मेरी टीम का कोई और सदस्य नहीं कर सकता, और दूसरी स्थिति कि जब मेरा आत्मविश्वास बहुत ही कम होता है क्योंकि मैं उस काम को नहीं कर पाऊंगी तो ये काम कैसे होगा, दोनों ही स्थितियों में घबराहट होती है। इससे बचने के लिए सबसे पहले हमको ये यकीन करना पड़ेगा कि टीम के हर सदस्य के पास कोई ना कोई एक खास गुण है, एक खास क्षमता है, और उस क्षमता का उपयोग भरपूर हम कैसे कर सकते हैं। यानी कि अगर सब लोग एक अच्छे से सामंजस्य के साथ उसको काम को करेंगे तो वो कैसे बेहतर होगा, और जो व्यक्ति जिस क्षमता में सबसे ज्यादा आगे है, जिसकी वो क्षमता सबसे ज्यादा मजबूत है, उसका हम अगर उपयोग करें तो फिर हमको कभी भी टीम में काम करने में घबराहट नहीं। इन प्रश्नों को सुनकर लगता है कि स्वजागरूकता हमारे लिए कितना आवश्यक है। इसके सही उपयोग से हम अपने जीवन के बहुत सारे निर्णयों को ठीक ढंग से निभा सकते हैं, और सुधा जी ने इतने सही तरीके से ये सब समझाया है तो उसके बारे में उत्सुकता और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो सुधा जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्वयं को जानने के दौरान हमें किन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए? स्वयं को जानने के दौरान सबसे मुख्य बात जो है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम क्यों जान रहे हैं। हमें ये समझना है कि हमारा जीवन बहुमूल्य है, और जो भी परिस्थितियां हैं उसमें हमारे जो भी गुण हैं उनमें हम ऐसा क्या करें जो कि हम जीवन को बेहतर तरीके से जी सकें। सबसे पहले ज़रूरी है सकारात्मक सोच, यानी कि हम अपनी क्षमताओं को, अपने गुणों का विकास किस तरह से कर सकते हैं। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि वास्तविकता के साथ हम अपने आप को जानें, यानी कि ना तो हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा आकलन करें अपनी गुण और क्षमताओं का, और ना ही हम उसको बहुत ही नकारात्मक कि हमारे अंदर ये कमियां हैं। अगर हम सकारात्मक सोच के साथ और वास्तविकता के साथ अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाएंगे ऐसा सोचेंगे, ये प्रक्रिया को ध्यान में रखेंगे, तो हम बहुत अच्छे से अपने गुणों और क्षमताओं का विकास कर सकते हैं। साथ ही कहाँ हमको ध्यान देने की ज़रूरत है और उनमें कैसे सुधार लाया जा सकता है अपने आप में, उस पर भी हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये संतुलन बनाना बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि स्वयं का आकलन करते वक्त हमें संतुलन की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि हम अपने गुणों को ही देखते हैं या अपनी क्षमताओं को ही देखते हैं तो हो सकता है हम अति आत्मविश्वासी हो जाएं, और यदि हम अपनी खामियों को ही देखते हैं तो हो सकता है हम अपने आप पर संदेह करने लगे, और अगर ये दोनों ही परिस्थितियां होती हैं तो ये दोनों ही परिस्थितियां हमारे विकास के आगे रोड़ा बन सकती हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है स्वयं को जाँचने की या जानने की प्रक्रिया में वो है कि संतुलन बनाए रखना। तो अब अगला सवाल हम लेते हैं एक बच्चे का। तो अगले सवाल के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सैलाना से हर्ष बैरागी। मेरा प्रश्न यह है कि मुझे पता है कि मैं बहुत भावुक हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह मेरे लिए अच्छा है या बुरा। भावुकता एक गुण है, ये आपका स्वभावगत गुण है, और अगर ये गुण है तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए ये अच्छा है ये बुरा। आपको ये सोचना चाहिए कि ये जो मेरा गुण है इसको निखारने के लिए मैं कौन सी क्षमताओं का विकास करूं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको कह सकती हूँ कि अगर आप भावुक हैं तो हो सकता है आप बहुत अच्छी लेखिका बने, बहुत अच्छे लेखक बने, तो आपको अपनी लेखन शैली को सुधारने की काम करना होगा, आपको उसमें क्षमता विकास करनी होगी।
या जैसे कि जो बहुत सारे लोग हैं जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, जहां भावुकता का गुण आपका निखरे और आपकी क्षमताओं से उसमें और ऐसा सहयोग हो, तो अगर आप उसको इस तरह से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो ये भावुकता का गुण है ये आपके बहुत अच्छी आप एक कार्य क्षेत्र में अपना काम कर सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि जो मेरा खास गुण है, जो मेरे स्वभाव का खास गुण है, उसके साथ कौन सी क्षमताओं को मैं विकास करूं जिससे कि वो मेरा गुण और निखार आए और मैं जिस भी कार्य क्षेत्र में जाऊं मैं उसमें बहुत ही उन्नति करूं और बहुत ही विकसित। अगर भावुकता को हम सही दिशा में ले जाएं तो ये हमेशा एक गुण ही साबित होगा। खैर, अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं इस विषय में। तो अगला सवाल मेरा सुधा जी से है कि चूंकि स्वजागरूकता एक जीवन का महत्वपूर्ण कौशल है, तो आखिर यह जीवन से किस तरह से जुड़ा हुआ है? स्वजागरूकता पूरे जीवन चलने वाली चीज है, ये इसका दायरा बहुत बड़ा है। अकादमिक उपलब्धि से बढ़कर, यानी ये पास फेल से बहुत दूर परे की बात है, ये पूरे जीवन हमारे साथ देने वाला है। इसलिए जब भी हम स्वजागरूकता की बात करते हैं तो ये एक सफलतापूर्वक जीवन जीने की ओर महत्वपूर्ण कदम है। कैसे हम अपनी आप को जब हम खास समझते हैं, अपने खास गुण की पहचान करते हैं, तो उस खास काबिलियत, उस जो हमारा एक विशेष उपहार हमारे को मिला है, उसका उपयोग हम कैसे खुशी से जीवन जीने के लिए कर सकते हैं, अगर हम इस तरफ ध्यान देंगे तो हम पूरे जीवन उसका उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत थोड़े समय के लिए हमारी छोटी मोटी उपलब्धियों से इससे काम नहीं बनने वाला, तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये पूरे जीवन हमारा स्वजागरूकता का काम चलेगा और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे कि अगर मान लीजिए मेरी आवाज़ बहुत सुरीली है, मैं तो ये मैं मेरी एक गुण है, एक मेरा क्षमता है, इसका विकास करके मैं पूरे जीवन इसके साथ अपना विकसित कर सकती हूँ और ये मैं इसको कैसे अपना कार्यक्षेत्र चुन सकती हूँ, ये एक निरंतर चलने वाली। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि स्वजागरूकता जीवन से सिर्फ जुड़ा हुआ ही नहीं है, ये जीवन का एक हिस्सा है और इसके माध्यम से हम जीवन भर अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और उसके कारण हम सही निर्णय ले पाते हैं। बहुत बार ये प्रक्रिया कठिनाइयों से भी भरी हुई होती है, तो ऐसी ही कठिनाइयों के बारे में हमसे एक छात्रा बात करने वाली हैं। उनका एक सवाल ऐसी ही कठिनाइयों को लेकर है, तो अब अगले सवाल के लिए हमसे जुड़ रही हैं बनगांव से पलक साहू। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि जब मैं दूसरों को स्टेज पर बोलते हुए देखती हूँ तो मेरा भी मन करता है स्टेज पर बोलने का, लेकिन हिम्मत नहीं होती। ऐसे में क्या करें, कृपया कर आप मुझे बताइए। स्टेज पर चढ़कर बोलने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो ये कि आप में उस विषय पर बोलने की आपको उसके बारे में पूरी सूचना होनी चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आप क्या बोलना चाहते हैं, किस विषय पर बोलते हैं, तो विषय की जानकारी। और दूसरी चीज़ जो स्टेज पर जाने की हिम्मत, तो हिम्मत जुटाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे बढ़िया काम है कि जब आप अपने घर में हो तो आप शीशे के सामने खड़े होकर बोलिए और अपने आप को देखिए कि आप कैसे लगते हैं, आप बोल सकते हैं। फिर जो आपके घर में छोटे भाई बहन हो सकते हैं या आपके जो बहुत प्यारे मित्र हैं, जो आप जिनके सामने आप बेहिचक होके बोल सकते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप उनके सामने बोलें। कोई नए नए टॉपिक सोचिए जिसके बारे में बातचीत कर सकते हैं आप, और धीरे 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 आपका जो ये प्रयास होगा वो फिर आपको अपने आप हिम्मत आने लगेगी। और ये मत सोचिए कि जो बैठे हैं वो क्या सोचेंगे, आप अपने को कैसे दिन प्रतिदिन और अच्छे से और बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो कई बार तो आप शीशे में देखकर बात करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास आता है, उसमें थोड़े छोटे समूह से आगे बढ़ेंगे अगर आप अपने दोस्तों के साथ, फिर थोड़े से और परिचितों के साथ, धीरे धीरे फिर आप में वो क्षमता का विकास हो जाएगा। तो आपको हिम्मत जुटानी तो पड़ेगी पहले, लेकिन ये पक्की बात है कि फिर आप स्टेज पर जाते हुए आप कभी नहीं घबराएंगे। जी सुधा जी, बिल्कुल आपने सही कहा और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे उपाय केवल बच्चों को ही नहीं, हम बड़ों को भी अपनाने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी पब्लिक स्पीकिंग में खुद को ठीक नहीं पाते हैं, या हम सभी ने कभी ना कभी स्टेज फियर का सामना किया है और स्वजागरूकता के माध्यम से ही ये हमें समझ में आएगा कि हमारे अंदर की क्षमताएँ क्या हैं और हम इस डर और झिझक को दूर कर पाएंगे। तो ये तो हुई डर और झिझक की बात, अब आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्वजागरूकता किस तरह से हमारे लक्ष्य निर्धारण में या भविष्य के प्रति भविष्य को निर्धारण करने में मदद करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वजागरूकता में हम अपने कोई खास गुण, खास क्षमता की पहचान करते हैं
और जो कोई खास गुण या क्षमता हमारा है उसका साथ हम उसको पूरे जीवन में उसको कैसे एक अपना कार्यक्षेत्र के रूप में चुन सकते हैं, ये सब तय करने के लिए हमको एक अपने भविष्य की योजना बनानी होती है, कुछ लक्ष्य निर्धारण करने होते हैं। और उस योजना को बनाने के लिए हमें ये तय करना पड़ता है जैसे कि हमारे कौन से गुण ऐसे हैं जिनका हम विकास कर सकते हैं और साथ में कौन सी हमारी ऐसे कमियां हैं या जहां पर हमको और सुधार करने की जरूरत है। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मुझे एक अच्छा संगीत के क्षेत्र में अच्छा, मुझे गायन में बहुत अच्छा काम करना है, मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, ये मेरा एक खास गुण है। अब इसकी क्षमता का विकास करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि मुझे संगीत विषय में आगे जाना है, फिर मुझे अगर मैं कहूँगी शास्त्रीय संगीत सीखना चाहती हूँ तो मुझे किससे सीखना है, तो एक कितना समय लगेगा, कितनी उसमें धन लगेगा, क्या योजना बनानी है, कितने समय में मैं सीख पाऊंगी, ऐसा करके मैं अपने पूरे जीवन का लक्ष्य बनाना है। उसके साथ ही मैं एक पूरी योजना बनाऊंगी, योजना बनाते समय मुझे क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं, वो चुनौतियों में उनकी क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, उन चुनौतियों को मैं कैसे दूर करूंगी, उसके लिए मुझे योजना बनाना, तो मैं कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगी, यानी मुझे कितना समय लगेगा, मुझे संगीत कौन सिखाएगा, अगर मेरे पास विद्यालय नहीं है तो मेरे को कहाँ पर जाके दूसरी जगह कहीं दाखिला लेना होगा, वहां पर क्या चुनौतियां आ सकती हैं, उसको मैं कैसे पार करूंगी, मुझे क्या कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है, कोई वजीफा मिल सकता है या कोई मुझे सपोर्ट करेगा, ऐसा करके मैं अपने पूरे एक आगे अपने भविष्य की योजना बना सकती हूँ और एक लक्ष्य निर्धारित करके निश्चित रूप से मैं शास्त्रीय संगीत में एक बहुत अच्छी गायिका बन सकती हूँ या मैं अपना कार्यक्षेत्र उसको जीवन भर चुन सकती हूँ। तो इसलिए स्वजागरूकता का जो महत्वपूर्ण कदम जीवन की योजना बनाने, लक्ष्य निर्धारण करने में बहुत अच्छे से हम उसका उपयोग कर सकते हैं। स्वजागरूकता ऐसा जीवन कौशल है जो बच्चों के सामने उनकी खामियां, उनके गुण और उनकी क्षमताएं, ये तीनों ही चीज़ें लाकर रखेगा और ये तीनों को जानने के बाद वो अपने जीवन के निर्णय लेने में सफल हो सकेंगे। तो क्या सोचना है ये हमें उन्हें नहीं बताना चाहिए। और इसी तरह से इसी तारतम्य में हम आगे बढ़ते हुए अगले बच्चे का सवाल लेते हैं। चापोरा से हमारे साथ सवाल करने के लिए जुड़ रही हैं काजल। सब मुझे बोलते हैं कि मुझे 12वीं के बाद वो फील्ड चुननी चाहिए जिसमें मेरा इंटरेस्ट हो, लेकिन हम कैसे पता लगाए कि हमारी रुचि किसमें है। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है आज के सत्र में आपको अपने इस प्रश्न का उत्तर मिल ही गया होगा। हमने काफ़ी बात की है कि हम अपनी गुणों को, क्षमताओं को कैसे पहचाने। आपको क्या चीज़ है जो आपको सबसे अच्छी लगती है, क्या चीज़ है जिसको आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे अंदर का सबसे खास गुण है, जो करना मुझे सबसे पसंद है, सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, वही आपकी रुचि है, उससे मिलती जुलती कौन सी क्षमताएं ऐसी हैं जिनको आपको विकास करने की जरूरत है, वही आप अपना भविष्य में फील्ड चुनिए, अपना कार्यक्षेत्र चुनिए, आप अवश्य सफल होंगे। स्वजागरूकता को लेकर हमारे इस सत्र में बहुत सारी बातें हुई हैं। सुधा जी ने बताया कि कैसे हम उसके माध्यम से या उसकी प्रक्रिया क्या है, हमको स्वयं को जानने की प्रक्रिया क्या है, कैसे हम उसके माध्यम से अपने गुणों को, अपने दोषों को और अपनी क्षमताओं को सामने ला सकते हैं और उन सबको मिलाकर हम अपने जीवन में बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अपने बेहतर भविष्य बना सकते हैं। उम्मीद है कि आज के सत्र से आप सभी को स्वजागरूकता की इस प्रक्रिया के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। सबसे बड़ा धन्यवाद आज हमारे बच्चों का और वो शिक्षकों का जो हमसे जुड़े, और साथ ही साथ डॉक्टर सुधा मिश्रा जी का जिन्होंने स्वजागरूकता के बारे में हमें इतनी अच्छी जानकारियों से अवगत कराया और इतना अमूल्य समय हमारे इस टॉक शो के लिए दिया। डॉक्टर सुधा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए और हमारे बच्चों को और शिक्षकों को इस जानकारी से अवगत कराने के लिए।